ब्रॉन्ज मेडल जीतने का सपना टूटा तो रोने लगी गोलकीपर सविता पूनिया। इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम का पहला ओलंपिक पदक जीतने का सपना अधूरा रह गया, जिसे शुक्रवार को टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक के मुकाबले में ब्रिटेन ने 4-3 से हराया। भारतीय टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचकर पहले ही इतिहास रच दिया था, लेकिन 2016 रियो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता ब्रिटेन को हरा नहीं सकी, जिससे कांस्य के करीब आकर चूक गई। इससे एक दिन पहले भारतीय पुरुष टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर 41 साल बाद कांस्य पदक जीता था। भारतीय महिला टीम ने 5 मिनट के भीतर 3 गोल किए, गुरजीत कौर ने 25वें और 26वें मिनट में, जबकि वंदना कटारिया ने 29वें मिनट में गोल दागे। ब्रिटेन के लिए एलेना रायर ने 16वें, सारा रॉबर्टसन ने 24वें, कप्तान होली पियरने वेब ने 35वें और ग्रेट बाल्सन ने 48वें मिनट में गोल दागे। ब्रिटेन से हारने के बाद भारतीय महिला टीम का ब्रॉन्ज मेडल जीतने का सपना टूट गया है। भले ही भारतीय टीम हार गई, लेकिन इस ओलंपिक में उन्होंने कमाल का खेल दिखाकर करोड़ों भारतीय फैंस को झूमने का मौका जरूर दिया है। बता दें, मैच खत्म होने के बाद भारतीय महिला टीम की खिलाड़ियों की आंखों से आंसू निकलने लगे। भारतीय टीम की गोलकीपर सविता पूनिया मैदान पर ही बैठकर रोने लगी। इसके अलावा दूसरी महिला खिलाड़ी भी इस हार को महसूस करके काफी इमोशनल नजर आई। ओलंपिक में लगातार 2 बार क्वालिफाई करना और टोक्यो में नंबर 4 पर पहुंचना अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसे में भारतीय फैंस सोशल मीडिया पर टीम के परफॉर्मेंस की सराहना कर रहे हैं। लोगों ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सांत्वना दी और ये भी लिखा कि आपने जैसे खेल आज के मैच में भी खेला है वो यादगार है।